एक स्क्रीनशॉट को वायरल करके दावा किया जा रहा है कि हसन अली ने बांग्लादेश के खिलाफ 219 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और उन्होंने शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यकीनन स्क्रीन पर 219 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दिया, एमपीएच में 136 एमपीएच प्रति घंटा दिखाई दिया, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो स्पीड गन की दिक्कत थी। स्पीड गन में खराबी के कारण दिखाई दिया 219 किलोमीटर प्रति घंटा, 136 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि कुछ देर तक पाकिस्तानी फैंस को ऐसा ही लगा कि हसन अली ने कहीं फेंक तो नहीं दी गेंद, लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी वो फास्ट मोशन के में करके वायरल की जा रही थी। जब रियल टाइम में देखा तो वो एक स्लोअर डिलीवरी थी और उसकी स्पीड मुश्किल से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और यही कारण रहा, कहीं ना कहीं स्पीड गन, बांग्लादेश में मैच हो रहा था, स्पीड गन में खराबी आ गई और ये हो गया। इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका के एक गेंदबाज की स्पीड 173 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई थी, जबकि हकीकत में वो भी स्लोअर बॉल थी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था। हसन अली ने ना ही 219 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद फेंकी और ना ही वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद फेंक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।